अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माई टॉपिक अबाउट पीमेट टेबलेट के हवाले से है। ये मेरे पास पीमेट का टेबलेट पड़ा हुआ है। पीमेट का टेबलेट का फार्मूला है पायोग्लिटाजोन प्लस मेट्रोमिन। इसका फार्मूला है 15/500 mg के 14 टेबलेट आते हैं। पीमेट टेबलेट कैनल फार्मा का प्रोडक्ट है। कैनल फार्मा पाकिस्तानी नेशनलिटी कंपनी है और बेस्ट कंपनियों में से बेस्ट कंपनी है। और कैनल फार्मा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे खासे रिजल्ट पे मार्केटों में अवेलेबल हैं। तो पीमेट टेबलेट के फ़ायदे क्या हैं, पीमेट टेबलेट को डॉक्टर हजरात क्यों और किस वजह से हमें देते हैं, पीमेट टेबलेट के डोजेस के बारे में, पीमेट टेबलेट के इंडिकेशंस के बारे में और पीमेट टेबलेट के फ़ायदे, पीमेट टेबलेट के नुकसान क्या हैं, वो मैं सब आज आपको समझाऊंगा। तो पीमेट टेबलेट के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। पीमेट टेबलेट दरअसल ये शुगर को कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट है, शुगर को कंट्रोल करने वाला मेडिसिन है। जैसा कि इंसान को लबलबा, इंसान का लबलबा जब काम करना छोड़ देता है, लबलबा इंसानी जिस्म के अंदर ग्लूकोज की फिल्ट्रेशन और ग्लूकोज को स्टोरेज करने में मदद देता है और हस्ब ज़रूरत ग्लूकोज को स्टोरेज करने के साथ साथ फिर हमारे पूरे बॉडीज़ में जहाँ ग्लूकोज की ज़रूरत हो वहाँ पे खून के ज़रिए फिर भेजता है और तकसीम करता रहता है हर एक एक ऑर्गन्स को, हर एक एक अज़ा को, हर एक एक जगह को जहाँ ग्लूकोज की ज़रूरत हो वहाँ पे लबलबा खून के ज़रिए पहुँचाता है। तो लबलबा का काम करना छोड़ना और लबलबा डैमेजेस का होना, लबलबा में इंफ्लामेशन सूजन की होने की वजह से, जिसको पेनक्रियाज कहा जाता है, पेनक्रियाज की ख़राब होने की वजह से, मोटापा या एक्सरसाइज ना करने की वजह से या मीठे से मीठा खुराक ज़्यादा खाने से इंसान को शुगर हो जाता है। शुगर खून की हर एक एक ज़र्रे को ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, यानी कि शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, मिठास की मिकदार बढ़ जाती है, तो फिर इंसान को शुगर की बीमारी, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है, डायबिटीज़ यानी कि शुगर इंसान का बढ़ जाता है। फिर इंसान जब पेशाब करे तो पेशाब बिल्कुल पीला पीला और पेशाब के साथ साथ फिर 5-10 मिनट के अंदर अंदर फिर चुंटियाँ वहीं पे आके मक्खियाँ बैठ जाते हैं और वो मिठास वाले पेशाब को पी लेते हैं। तो इस हिसाब से इंसानी जिस्म के मिठास की बढ़ने को डायबिटीज़ कहा जाता है, शुगर कहा जाता है, जो कि लबलबा की खराबी, कोलेस्ट्रोल हाई होने की वजह से और या फिर लबलबा की खराबियाँ की वजह से शुगर बढ़ जाती है। जब लबलबा काम करना छोड़ जाए और लबलबा में इंफ्लामेशन सूजन मोटापा चिकना हड़ वाले खुराक कोलेस्ट्रोल यूरोकेसाइड्स की वजह से इंसान का लबलबा का काम करना बंद हो जाता है तो फिर पूरे बॉडीज़ में शुगर ग्लूकोज बढ़ जाती है। तो फिर डॉक्टर हजरात हमें ये पीवेट के टेबलेट या फिर ग्लूकोफेज के टेबलेट और भी बहुत सारे मेडिसन्स, बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। तो शुगर कम अज़ कम 450 से ज़्यादा हो जाए सुबह नाश्ते वाला, और खाने के नाश्ते के बाद का शुगर 550 से ज़्यादा हो जाए तो फिर डॉक्टर हजरात पीमेट के टेबलेट को सुबह नाश्ते के बाद एक टाइम दिया जाता है। हर सुबह नाश्ते के बाद एक टेबलेट पीमेट टेबलेट खाने से आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो पेशाब के ज़रिए आधे घंटे या फिर घंटे के बाद ज़ाया होना शुरू हो जाता है और शुगर अपने आप नॉर्मल होने की तरफ चला जाता है। तो ये टेबलेट पीमेट के टेबलेट खाने से आपके जिस्म के अंदर, आपके खून के अंदर ग्लूकोज को आधे घंटे घंटे के अंदर पेशाब के ज़रिए खारिज करने का काम करता है। इसको हर सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद एक टेबलेट खा लेना चाहिए। जिस हजरात को शुगर हो तो वो अपना लबलबे और अपना पेनक्रियाज की ख्याल रखे, चिकनाहट वाले चीज़ें, यूरिक एसिड को बढ़ाने वाले खुराकें बंद कर दें और मिर्च मसाले, तले हुए चीज़ें और शुगर को बढ़ाने वाले खुराक, मिठास बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए, चिकनाहट वाले खुराक बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए और उन्हें सुबह नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते के बाद कम अज़ कम घंटा या आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। रात को खाना खाने के एक घंटे के बाद
उन्हें एक्सरसाइज वर्जिश कर लेना चाहिए। मीठी चीज़ें और ज़्यादा मीठे वाले खुराक, चिकनाट वाले खुराक बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए। 80 टेबलेट को हर सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद एक टेबलेट लेने से आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट पे आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।